लोग बनते हैं अनुसूचित जाति और गरीबों के मसीहा चिराग जी। अब कितना सार्थक है ये तो समय बताएगा। अच्छी बात है, बड़े नेता थे, मूर्ति लगावे, अच्छी बात। अब वो बनते हैं अनुसूचित जाति और गरीबों के मसीहा चिराग जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कि चिराग पासवान के पिता हैं, उनके नाम पर रखे जाने की मांग की। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा और कहा कि बिहार के अलग अलग जिलों में रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित की जाए और इसमें बिहार सरकार उनकी मदद करे। इन सब के बीच जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से जब हमने सवाल किया कि क्या मूर्ति लगाई जानी चाहिए और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर रखा जाना चाहिए, तो क्या कुछ कहा हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, पहले आप वो सुनिए। चिराग पासवान ने हाजीपुर स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है और कहा है कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से होना चाहिए हाजीपुर। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो नाम परिवर्तन करना, लेकिन अब कितना सार्थक है ये तो समय बताएगा। मूर्ति लगाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बड़े नेता थे, मूर्ति लगावे, अच्छी बात है। अच्छी नाम होना चाहिए स्टेशन का, जो आपको कुछ राय है। अभी बात हम कैसे कहें, ऐसे अगर होने लगे, गरीबों के मसीहा हैं, 6 सीट में 3 सीट के परिवार में रखे हुए हैं, ये भी तो हो जाए। तीन को जो सीट है सो बांट दें पहले, एक परिवार में जो 3 सीट रखे हुए हैं अनुसूचित बंधुओं के लिए, अनुसूचित जाति बंधुओं के लिए, 6 सीट है बिहार में, 3 सीट है एक परिवार में, और वो बनते हैं अनुसूचित जाति और गरीबों के मसीहा चिराग जी, जरा अपने तरफ देखें। तो आपने सुना, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ तौर पे कहा है कि वो तो वक्त बताएगा कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखना जाना चाहिए या फिर नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ मूर्ति के सवाल पर उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान एक बड़े नेता थे और उनकी मूर्ति लग रही है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ इन सब के बीच एक जोरदार हमला बीजेपी विधायक ने चिराग पासवान पर बोला है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में 6 सीटें अनुसूचित जाति को मिली थी और जिसमें से 3 सीटों पर चिराग पासवान के पिता ने अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको उम्मीदवार बनाया था और मात्र 3 सीटें अनुसूचित जाति यानी दूसरे लोगों को दी थी और 3 सीटें अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वा दिया था। और इन सब के बीच इस बात को भी कहा है कि चिराग पासवान क्या 3 सीटें अनुसूचित जाति को देकर उनके मसीहा बनना चाहते हैं, और जोरदार हमला हरिभूषण ठाकुर बचौल ने चिराग पासवान पर किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आने वाले वक्त में राजनीति कितनी गर्माती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।